अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम लुकमान वलायत है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट एक गाइड शेयर करने वाला हूँ, कंप्लीट ब्लूप्रिंट प्रूफ के साथ कि कैसे आप अपना एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर। ई कॉमर्स बिजनेस, कोई भी चीज़ जब आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। बट ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली क्या है? ड्रॉप शिपिंग उसे कहते हैं जिसमें हमने वो चीज़ अपने पास खरीदी हुई नहीं होती, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको सेल करना होता है। बेसिकली हमारे पास कुछ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स होते हैं जो हमें परमिशन देते हैं कि वो हम उनके प्रोडक्ट्स को सेल करें, तो जैसे ही हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे हम उन ऑर्डर्स को आके उस सप्लायर की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, और वही सप्लायर उसकी इन्वेंट्री होल्ड करता है और वही उस प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर को डिलीवर करवाता है। इस सारे प्रोसेस को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। सो ये काफी लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हो चुका है या इसके अंदर अभी पोटेंशियल नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ा सा प्रूफ दिखा देता हूँ और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए मजीद कि एक्चुअली ये बिजनेस है क्या और कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे फेसबुक पे आते हैं और फेसबुक पे मैं आपको दिखा दूँ, जो लोग कहते हैं कि सैचुरेटेड हो चुके हैं, तो हम लोग तकरीबन फेसबुक के ऊपर अगर मेरी आप पोस्ट जाके देखें, पोस्ट में जाकर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अगर पोस्ट फ्रॉम यू, और मैं अपनी ही पोस्ट को फिल्टर करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये 5 मार्च 2022 को हमने पोस्ट की थी, तकरीबन 1 साल पहले, और लोकल पाकिस्तान के अंदर ही इस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे थे। आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप 19 जनवरी 2022 को फिर पोस्ट की हुई है तब से। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी मेरे काफी सारे स्टोर्स चल रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये पोस्ट है 21 2021 के अंदर हमने की थी, जुलाई 2021, पूरे साल की मैंने एक डैशबोर्ड शेयर किया था। तो ये सारी चीजें आपको दिखाने का जो पर्पज है, जो मकसद है, वो यही है कि 3 4 साल से 5 साल से इसी बिजनेस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और यही बिजनेस हम कर रहे हैं और इसमें अच्छा खासा हमें पोटेंशियल मिल रहा है। अभी अगर आप मुझे यूट्यूब पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 4 मंथ पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, आपको काफी डिटेल में सारी चीजें दिखाई थी। और अभी यहाँ पर एक और स्टोर में आपको दिखा देता हूँ जो कि अभी हमारा चल रहा है। यहाँ पे स्टोर को मैं अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि पेज अगेन फ्रेश हो जाए। अब इस स्टोर के ऊपर जो हमारी लास्ट 30 डेज की सेल है वो तकरीबन 6 लाख से अबव है, 6 लाख से ज्यादा सेल हमने जनरेट की है लास्ट 30 डेज के अंदर, और 6,15,000 की टोटल इस पे सेल आई हुई है। अब इसमें यहाँ पर नीचे आपको मजीद दिखाऊं तो जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है यहाँ पे वो 8,000 की है। जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो 8,000 का हम सेल कर रहे हैं। कन्वर्जन रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.46% कन्वर्जन रेट आ रहा है। ये नॉर्मली हमारे जितने भी स्टोर्स हैं उनपे 3 to 4% होता है। इस स्टोर पे इसलिए काम है क्योंकि इसकी जो प्राइस है, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस वो थोड़ी हाई है, अभी हाई प्राइस है। यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं, हमने फेसबुक के ऊपर एड्स रन किए हुए हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं जो कि इसी जो स्टोर अभी आपको दिखाया उसकी कैंपेन्स है ये वाली। अब मैं अगेन पेज को लोड करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 74 सेल्स हमें आई हैं, वेबसाइट परचेजेस यहाँ पे दिखा रहा है, और जो कॉस्ट पर परचेज हमें आ रही है वो 989 रुपीज आ रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनको सेल करते हैं अपना स्टोर क्रिएट करके। जब हमारा स्टोर रेडी हो जाता है जिसके ऊपर हमने इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ होता है, हम इसकी मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक के ऊपर पेड एड्स रन करते हैं, लोग हमारे स्टोर पे आते हैं और हमसे वो चीज खरीद लेते हैं। अब उसके बाद जब सोर्सिंग हम करते हैं तो सोर्सिंग में हम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स की भी हेल्प ले लेते हैं, उनसे सोर्स करवा लेते हैं, खुद होल्ड कर लेते हैं, वो आगे चल के सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे अगर ये इसी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ले जाए तो 8,000 का हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और जो हमें कॉस्ट पर परचेज आ रही है वो 989 रुपीज आ रही है, ऑलमोस्ट 1,000 आप लगा लें। और जो प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट आ रही है, जो हम परचेज कर रहे हैं जहां से, वो हमें 3,500 का मिल रहा है। सो ओवरऑल 1,000 ऊपर लगाएं तकरीबन 4,500 रुपीज बनते हैं ये। उसके बाद अगर आप रिटर्न रेट्स वगैरह भी निकालें तो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी हमें इस एक स्टोर के ऊपर, इस एक प्रोडक्ट के ऊपर, इस एक कैंपेन की वजह से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1,800 to 2,000 है। अगर आप इसको 1,500 भी लगाएं, सारे अगर मजीद इसमें से हम कट ऑफ करते हैं, 1,500 भी हम अगर इसमें रखते हैं प्रॉफिट, तो फिर भी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 75 के साथ तो ये 1,12,500 बनता है लास्ट 30 डेज का ये प्रॉफिट है एक स्टोर का। और इसी तरह हमारे काफी सारे स्टोर्स ऑलरेडी रनिंग में हैं जो कि काफी सारी आपको पोस्ट भी दिखाई हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से यही बिजनेस हम कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल रहे हैं।
अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस तरह इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इसी बिजनेस को सेम आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। सो सबसे पहले टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान यू नीड, सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए वो है एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपको चाहिए जो आपने सेल करना है। सारी बात है, जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या सेल करना है। सो सबसे पहला बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। सेकंड चीज है ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है, वो भी आपके आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट आगे चल के कि कैसे आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसके बाद एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट से कि ये कैसे हंट किए जाते हैं, हाउ टू फाइंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। सो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हंट करने के लिए जो मेरा सबसे बेस्ट मेथड है अभी तक का वो ये है कि सिंपली आपने क्या करना है, हमने जाना है, मैं बैक चलता हूँ अगेन, इनकोग्निटो विंडो ओपन कर लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अगर आप प्रेस करें तो आपकी प्राइवेट विंडो इनकोग्निटो विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं aliexpress.com, इसके अलावा आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है draz.pk। अब इसको आपने इनकोग्निटो विंडो में इसलिए ओपन करना है क्योंकि आपके ब्राउजर की कैचेस वगैरह होती हैं तो आपको हो सकता है वो रिजल्ट्स वहां पे शो ना करें। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप इनकोग्निटो विंडो में ओपन करें इन दोनों वेबसाइट्स को। अब इनको ओपन करने के बाद अगला हमने स्टेप क्या करना है, तो जैसे ही आपने aliexpress.com और draz.pk को ओपन कर लेना है तो यहाँ पे इनके मेन पेजेस पे आपने स्क्रॉल करना है। जैसे मैं draz.pk पे अभी अवेलेबल हूँ और मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने देखना क्या है, यहाँ पे आपने जो चीजें नोट करनी है वो है इनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स और इनकी रेटिंग। आपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर आपने इनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखने हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो जिनके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को और जिनकी रेटिंग अच्छी है, हाई रेटिंग्स है और ज्यादा रेटिंग्स है, उन प्रोडक्ट्स को आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब इसके मेन पेज पे आपने स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये अब मिनी एलईडी लाइट है, 352 इसकी रेटिंग्स है। इसके अलावा ये अब वुडन वॉल क्लॉक देख सकते हैं, इसके अब 775 इसके रिव्यूज हैं और सारे के सारे फाइव स्टार हैं। तो ये बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी मैंने पर्सनली तौर पे बहुत ज्यादा सेल किया हुआ भी है। अब इसको ओपन कर लें आप यहाँ पे, जैसे इसको ओपन कर लिए हमने, इसी तरह आप मजीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब जैसे ये प्रोडक्ट है 649 का मिल रहा है आपको, इसके जो 126 रिव्यूज हैं यहाँ पे, आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह आप मजीद नीचे जाएंगे तो आपको काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे लोड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह मजीद और भी प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे। जैसे ये लेदर लेडीज हैंड बैग है तो इस पे भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी सेल हो सकता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, aliexpress.com पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी आपने सेम वही चीज करनी है, आपने इसके मेन पेज के ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे और वो काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है वैक्यूम क्लीनर है और ये इसके तकरीबन ऑर्डर 5000 प्लस सोल्ड हो चुके हैं, तो आप इसकी इसको भी ले सकते हैं, इसको अगर आप ओपन करें। इसी तरह ये है, ये ग्लासेस हैं और इनको भी आप सेल कर सकते हैं। बाकी आप जैसे नीचे नीचे और स्क्रॉल करेंगे, हर दफा इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको नए से नए प्रोडक्ट ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे ये आप प्रोडक्ट है, ये भी 10,000 पीसेस इसके सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं, तो आप भी इसी प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पर आए, ये सिर्फ सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड है जो मैं यूज करता हूँ प्रोडक्ट हंट करने के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, जब भी मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। अपने aliexpress.com पे आना है, draz.pk पे आना है, इनकोग्निटो विंडो में ओपन करना है और उनके मेन पेजेस को स्क्रॉल करना है। आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी जा सकते हैं, इनके डिफरेंट कैटेगरीज में जाकर उनके मेन पेजेस को भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको काफी सारी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में काम करना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है गो टू एड्स लाइब्रेरी, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर जाना है। जैसे यहाँ पर हमने अगर ये प्रोडक्ट निकाला है, अगर हम कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बात करते हैं किसी किसी एक प्रोडक्ट को भी, हम अगर ब्लू लाइट ग्लासेस, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट पे हमने काम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करने के लिए हम चलते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में, और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर आ जाना है हमने, आपने फेसबुक में लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी और यहाँ पर एड्स लाइब्रेरी में आ जाना है। और एड्स लाइब्रेरी में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली कंट्रीज चूज करना है। जैसे हमने ये पाकिस्तान के अंदर सेल करना है तो हम यहाँ पे पाकिस्तान ही लिखेंगे, पाकिस्तान। उसके बाद हमने एड कैटेगरी में ऑल एड्स
एंड देन यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स का कीवर्ड लिख देना है और इसको सर्च करना है। तो ब्लू लाइट ग्लासेस मैंने टाइप किया है और उसको मैंने कर लिया सर्च। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी सारे स्टोर, काफी सारे जो लोग हैं वो इसी सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अभी ये एक ही स्टोर के बार बार एड्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखें तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम मजीद नीचे जाते हैं तो आपको काफी सारे अच्छे स्टोर्स मिल जाएंगे जो इसी एक प्रोडक्ट को ही सेल कर रहे हैं। तो मजीद नीचे जाएं, आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी काफी सारी जो इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। हम अगर कोई और प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी यहाँ पे हम उसको भी यहाँ पे टाइप करें तो आपको उसके भी क्रिएटिव्स मिल जाएंगे, उसके भी कंपेटिटर्स मिल जाएंगे जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। अब ये वुडन वॉल क्लॉक है, अगर मैं इसको टाइप करता हूँ, हम इसको जाकर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में देखते हैं। तो हमने इसको टाइप किया है, यहाँ पे भी हमें मजीद मिल जाएंगे जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा उनसे हटके है, आपको वही सेम प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ये देखें, अब ये स्टोर है, ये सेम उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है जो हमने द्रास पे देखा है। अब ये कितने का सेल कर रहे हैं, यहाँ पे ये 899 का सेल कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मजीद देखें तो आपको काफी सारे और भी स्टोर मिल जाएंगे जो इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। ये व्हाट्सएप के थ्रू बेच रहे हैं। अब ये 7, इसी तरह अगर हम मजीद देखते हैं, अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे 250 का मिल रहा है और वो फेसबुक के थ्रू एड्स रन करके उसको सेल कर रहे हैं, और वो कितने का बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं 900 का। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे शिपिंग चार्जेस भी ऐड करेंगे, तो शिपिंग चार्जेस इनके 200 होंगे, तो वो मिला के ये तकरीबन 1,000-1,200 का इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ओवरऑल इस प्रोडक्ट के ऊपर इनको भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन 2 से 3x प्रॉफिट आ रहा है। ये सारा का सारा सीन होता है आपने प्रोडक्ट हंटिंग का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे के, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपने क्या करना है। प्रोडक्ट जब आपने हंट करने हैं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाना है और वहां पर आपने देख लेना है। वहां पर प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे और आप चेक करेंगे कि उसको और कौन सेल कर रहा है। फ्यू स्टोर्स आपने एनालाइज कर लेने हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे, वही प्रोडक्ट जो आपने चूज किया था। अब उसके बाद आपने इन प्रोडक्ट्स के अंदर या इन स्टोर्स के अंदर ये चीज देखनी है कि आपने मार्जिन देखना है, आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसको आप एटलीस्ट 3x करके सेल कर सकें। अगर आपको वो दराज पे 200-250 का मिल रहा है तो आप उसको 1,000 का या 1,200 का सेल कर सकते हैं। अगर वो दराज पे 1,500 का मिल रहा है तो आप एटलीस्ट उसको 4,000 या 4,500 तक का उसको सेल कर सकते हो। अगर इस इतना आप सेल कर सकते हैं तो वो प्रोडक्ट एक बेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें मार्जिन आपको अच्छा मिलता है। उसके बाद जो दूसरी चीज आपने देखनी है वो है कंटेंट अवेलेबिलिटी। आपने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट का जो कंटेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपने मार्केट करना है तो आपके पास कंटेंट उसका होना चाहिए, उसके बाद इजीली सोर्सेबल होना चाहिए। ये चीजें देखने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट, जब आपने फाइनल कर लेना है, प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया है, उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो है उसकी सोर्सिंग का, कि आपने ये सोर्स कहाँ से करना है। तो सोर्सिंग करने के लिए और फाइंडिंग ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, तो सोर्सिंग के लिए दो मेथड्स हैं आपके पास, दो तरीके से आप प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो पहला मेथड है वो है बाय इन्वेंट्री इन बल्क फ्रॉम होलसेलर और इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। आप होलसेलर से बल्क में बाय कर सकते हैं और चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं खुद, और किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू COD अकाउंट ओपन करके आप उसको डिलीवर करवा सकते हैं, या फिर आप 3PL की सर्विस चूज कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर आपका आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपने इन्वेंटरी खुद परचेज करनी है, और ये मेथड लॉन्ग टर्म के लिए है। जो दूसरा मेथड है वो है ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के थ्रू। आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को फाइंड आउट करें और उसके थ्रू वो प्रोडक्ट सोर्स करवा लें। अब ड्रॉप शिपिंग सप्लायर कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको देखा जाए तो वो ये फॉलोइंग सप्लायर्स हैं जिनको मैंने लिस्ट डाउन किया है, आप इनके साथ काम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस टाइम तक काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। HXE ड्रॉप शिपिंग वाले हैं, दरिया ऐप वाले हैं, ईजोन ड्रॉप शिपिंग वाले हैं, बचाव डॉट बीके वाले हैं, मरकज ऐप है, घर हट्टी है, इस तरह के और भी काफी सारे सप्लायर्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस से मिल सकते हैं, OLX पे जाकर आपको मैनुअली वहां पे सर्च करेंगे, आपको वहां से मिल सकते हैं। द्रास सेलर्स हैं, जितने भी दराज के ऊपर बैठे हुए लोग सेल कर रहे हैं वो तकरीबन होलसेलर्स ही हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करके सोर्सिंग करवा सकते हैं, और वो भी मेजोरिटी आपको ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, जब आपने सोर्सिंग फाइनल कर लेनी है कि आपने इसको सोर्स कहाँ से करना है, नेक्स्ट स्टेप है शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना।
तो अब हम देखते हैं, हमारे पास हमने प्रोडक्ट फाइनल भी कर लिया है, हमने ये भी चीज क्लियर कर ली है कि हमने इसको सोर्स कैसे करना है, जब हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे तो हमने भिजवाना कैसे है। तो अब अगला चीज है कि हमने उसको बेचना कैसे है। तो बेचने के लिए शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट किया जाता है। तो स्टोर कैसे क्रिएट करना है, स्टोर के लिए सिंपली आपने कोई इसमें इतनी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अब जैसे आपने सिंपली जाना है namelix.com पे और वहां पर प्रोडक्ट का नेम टाइप करेंगे और एक डिसेंट सा नाम आपने चूज कर लेना है अपने स्टोर का। वो मैं आपको करके अभी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आपने सिंपली आपने यहाँ पर namelix पे आना है, namelix.com, और यहाँ पर आपने आकर टाइप करना है अपने प्रोडक्ट का नाम। जैसे हमने वुडन वॉल क्लॉक अगर हमने चूज किया है तो इसके ऊपर हमने अगर नाम देखना है तो नाम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करेंगे। कीवर्ड टाइप करने के बाद जनरेट पे क्लिक करें तो ये वेबसाइट आपको बहुत अच्छे अच्छे डिसेंट नेम्स जो है वो जनरेट करके देती है। आप इनमें से चूज कर सकते हैं अपने स्टोर का नाम और उसको फाइनल करके आपने डोमेन परचेज करनी है। जैसे मैंने टाइप किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे नाम यहाँ पे वो मुझे रिकमेंड करना उसने स्टार्ट कर दिया। वुड फिन, इसके अलावा ट्विजल है, इसके अलावा यहाँ पे और भी काफी सारे नाम्स हैं, आप नेम्स हैं, यहाँ में से आप कोई भी नाम चूज करें, अच्छा सा नाम जो आपको लगता है। हाँ, आप ये देख लीजिएगा .com में इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप नेमकीप पे जाएं और नेमकीप.com पे जाकर वो डोमेन आप परचेज कर लें। सो जब आपने नाम फाइनल कर लेना है, उसकी डोमेन आपने परचेज कर लेनी है, सो अगला स्टेप है आपका लोगो क्रिएट करना। आप सिंपली canva.com पे जाएं और वहां पर जाकर अपना लोगो क्रिएट कर लें। लोगो क्रिएट करने के बाद जो अगला स्टेप है वो आपका होना है स्टोर क्रिएट करने के लिए। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने shopify.com पे जाना है। जैसे यहाँ पर मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, आपने आना है shopify.com, और shopify.com पे आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको एक ट्रायल मिल जाएगा जो कि फिर शॉपिफाई का अभी चल रहा है। 3 मंथ का फ्री ट्रायल है, तकरीबन $1 पर मंथ आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपने शॉपिफाई के ऊपर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने सिंपली जो है वो अपना स्टोर सेटअप करेंगे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है स्टोर के ऊपर। प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बाद थीम कस्टमाइज करें। थीम शॉपिफाई की काफी सारी फ्री थीम्स हैं, आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगर ओपन किया हुआ पेज शॉपिफाई फ्री थीम्स का, तो इनमें से कोई भी थीम आप यूज करके उसको चूज कर सकते हैं। फ्री थीम्स भी बहुत अच्छी तरह शॉपिफाई की बहुत अच्छी थीम्स है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। सो इसके अलावा जब आपने थीम चूज कर लेनी है, आपने नेक्स्ट क्या करना है, ऐड डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जिप्स यूज करें, इमेजेस यूज करें, इम्पोर्ट सम रिव्यूज इम्पोर्ट करें, अली एक्सप्रेस से रिव्यूज आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने पेमेंट को कैश ऑन डिलीवरी सेटअप करना है, और उसके बाद आपने स्टिकी ऐड टू कार्ट, उसके बाद आपने डोमेन अपनी कनेक्ट करनी है, प्लान पिक करना है और अपने स्टोर को पब्लिश कर देना है। यहाँ तक था आपने अपनी वेबसाइट जो है वो रेडी कर लेनी है। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है अगर मैं इन सारी चीजों को डिटेल में जाकर आपको समझाने लग जाऊं, बट आई विल ट्राई कि मैं इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियोस बनाऊं हर एक टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ। अगर बन गई तो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज ओवर मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। जब हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है तो फिर उसको मार्केट करने के लिए, लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाने के लिए वेबसाइट को मार्केट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे फेसबुक पे पेड एड्स रन करते हैं और उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो फेसबुक उन्हीं लोगों को हमारा ऐड दिखाता है, जब उनको इंटरेस्टेड लगता है तो वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमसे वो चीज़ खरीदते हैं। तो एड्स रन करने के लिए क्या किया जाता है, एड्स रन लॉन्च करने के लिए आई वुड ऑलवेज ऑलवेज सजेस्ट यू के स्टार्ट आप हमेशा फेसबुक से लें, फेसबुक एड्स के साथ ही स्टार्ट करें। उसके लिए आपने करना कि आपने सिंपली सबसे पहले अपना एक प्रोफेशनल ब्रांड पेज फेसबुक के ऊपर क्रिएट करना है। उसका आप डिज़ाइन और उसका कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो आप कैनवा पे डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी उसकी जो पोस्ट हैं वो भी आप कैनवा पे जाकर वहां से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना पेज जब आपका रेडी हो जाए, पेज के ऊपर आपने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट का URL, वहां पे अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप कनेक्ट कर लें, एड्रेस अपना ज़रूर वहां पे मेंशन करें। एड्रेस आप कोई भी दे सकते हैं, अपना पर्सनल होम एड्रेस भी वहां पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने फेसबुक के ऊपर बिजनेस मैनेजर अपना सेटअप करना है और अपने शॉपिफाई स्टोर को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है यूजिंग शॉपिफाई सेल्स चैनल। शॉपिफाई का सेल चैनल है फेसबुक, उसको आपने शॉपिफाई पे इंस्टॉल करना है और उसके थ्रू आपने अपना फेसबुक अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर लेना है। एंड देन आपने जब आपकी सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएं तो अब बारी है एड्स लॉन्च करने की।
ऐड लॉन्च करने से पहले आपके पास वीडियो ऐड होना चाहिए जिसको आपने मार्केट करना है। तो वीडियो ऐड हम बनाने के लिए वीडियो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कंटेंट है, वीडियो ऐड आपने कैसे बनाना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पिंटरेस्ट पे जाएं, वहां पे अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करें तो आपको काफी सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब से मिल सकती हैं, फेसबुक से मिल सकती हैं, आपके सप्लायर की वेबसाइट से आपको काफी सारा डाटा मिल सकता है। इसके अलावा आपके कंपेटिटर्स जो वीडियो या कंटेंट यूज कर रहे हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। जब आपको पास कंटेंट मिल जाए आप उसको एडिट कर करें अपने किसी भी वीडियो एडिटिंग टूल के थ्रू आप उसको एडिट कर सकते हैं। और जब वीडियो एडिट हो जाए आपकी तो आप उसको फेसबुक के ऊपर पब्लिश करें, पोस्ट करें और उसको अपना एड जो है वो लॉन्च करें। आप सिंपली एड कैंपेन एक प्रोडक्ट की, सिंगल प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप 2 से 3 हज़ार PKR का बजट पर डे का रखें एक कैंपेन को लॉन्च करने के लिए। और बाकी फेसबुक एड्स को कैसे लॉन्च करना है, इसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी कैसे की जाती है, इन डेप्थ हर चीज सीखने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन डेप्थ सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी जिसमें स्टोर क्रिएशन भी डिटेल में बताई जाएगी, प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि कैसे आपने विनिंग और अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि स्टोर आपने कैसे प्रोफेशनल क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, एंड देन आपने कैसे फेसबुक के ऊपर किन स्ट्रेटजीज के थ्रू आपने अपनी कैंपेन्स को लॉन्च करना है, वीडियो कंटेंट कैसे बनाना है, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ओवरव्यू मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।